Vietnam. एग्जाम में आपका डायरेक्शन भी आता है, लिखने भी आता है, दो नाम में लिखने भी आ सकता है, नॉर्मल नाम में राइट फॉर्मूला फॉर लैग्रांज इंटरपोलेशन, राइट राइट लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, तो केवल लास्ट स्टेप में जो फॉर्मूला ड्राइव होगा वो आपको याद करके लिख देना है। पूरा एक मार्क्स में डेराइवेशन भी आता है, ड्राइव लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, या फिर इस पर डेट न्यूमेरिकल, हर टाइप से क्वेश्चन आता है। So this is for coming to the formula for unequal interval. जब आपको लगे कि x का वैल्यू इक्वली स्पेस नहीं है, तब हम लोग लैग्रांज फॉर्मूला यूज करते हैं। और वन मोर थिंग, जब आप इसका न्यूमेरिकल बनाओगे तो कैलकुलेशन इज टू लेंथी, ठीक है, कैलकुलेशन करने में बहुत सिली मिस्टेक होता है। तो जब तक एग्जाम में मेंशन नहीं रहता है कि लैग्रांज फॉर्मूला यूज करके बनाना है, हम लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे। इसके बाद आप न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला पढ़ोगे, वो भी अनइक्वल के लिए है, वो कंपैरेटिवली ज्यादा इजी होता है यूज करने, ठीक है। तो जब अगर क्वेश्चन में टेंशन है कि यूज लैग्रांज फॉर्मूला टू फाइंड द क्यूबिक पॉलीनोमियल, तभी हम लोग यूज करेंगे। आप जब न्यूमेरिकल बनाओगे तो आप कंपेयर कर सकते हो, दोनों मेथड आपको बताया जाएगा, यू कैन कंपेयर। इसका कैलकुलेशन जो होता है थोड़ा लेंदी हो जाता है लास्ट में, जब तक एग्जाम में मेंशन नहीं रहता है, हम लोग लैग्रांज फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। एक दूसरा फॉर्मूला भी है, जैसे न्यूटन लैग्रांज फॉर्मूला आपने पढ़ा था, उसी तरह अनइक्वल के लिए एक और फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, आप उसको यूज कर सकते। तो इसका डायरेक्शन देते हैं, लेट वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई एन yn be the n plus 1 values, सारा लिखा हुआ है, मैं पूरा लिखने में बोलते हैं, be the n plus 1 values of the function y equal to fx, of the function y is equal to fx corresponding to the argument corresponding to the argument x0, x1, x2, xn, not necessarily equally spaced, not necessarily इक्वली स्पेस, ना जरूरी नहीं है इक्वली स्पेस हो, स्पेस है तो भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग जब इक्वली स्पेस नहीं है तभी यूज करते हैं। यानी इक्वली स्पेस के लिए तो आपके पास इजी फॉर्मूला है, उसको बनाएंगे, जब आपको लगेगा कि एक्स का वैल्यू इक्वली स्पेस नहीं है तब आप इसको यूज करो। It is assumed that the function fx is a polynomial in x. It is assumed that the function fx is a polynomial in x. Fir next line mein since n plus 1 values of fx are given, since n plus 1 values of fx are given, पहले सोच के बताइए, n plus 1 value है तो कौन सा difference constant होगा और कौन सा difference 0 हो जाएगा? अगर
अंदर एन प्लस वन वैल्यूज आपको वाई का या एफ एक्स का गिवन है, तो डिफरेंस हम लोग बनाते हैं ना, डेल्टा का वैल्यू निकालते हैं, तो कौन सा वैल्यू कॉन्स्टेंट होगा, कौन सा वैल्यू जीरो हो जाएगा, वाई फंडामेंटल से होगा पावर एन विल बी कॉन्स्टेंट एंड एन प्लस वन एथ डिफरेंस जो निकलेगा वो जीरो हो जाएगा. तो देखिए कॉमा देखे, सो डिफरेंसेस ऑफ ऑर्डर n plus 1 are 0. n plus 1 को ब्रैकेट में लिखेंगे, जहां भी n plus 1 लिख रहे हैं ब्रैकेट में. डिफरेंसेस ऑफ ऑर्डर n plus 1 आर जीरो, फुल स्टॉप. फिर नेक्स्ट लाइन में, thus f x is supposed to be, thus f x is supposed to be a polynomial in x of degree n. Supposed to be a polynomial in x of degree n. Of degree n. Full stop. Let, finish line. Let P and x. Let P and x. Be a polynomial in x of degree n. Let P and x be a polynomial in x of degree n. Then, again ये form आपको याद करना होगा. Forward के लिए भी एक form हमने याद किया था. इस side से आपको P and x assume करना है, वो थोड़ा सा आपको याद रखना होगा. Then backward के लिए भी हम लोग अलग साइड से पी एन एक्स को अज्यूम किए थे, और यहाँ पे आपको लैग्रांज के लिए पी एन एक्स का फॉर्म क्या होगा ये अज्यूम करना. तो फॉरवर्ड के लिए क्या नीचे बता सकते हैं, फॉरवर्ड के लिए पी एन एक्स क्या था, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस एक्स नॉट इस टाइप से लिए थे ना, प्लस ए टू को एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स टू लिखा हुआ नहीं है, तो कंपेयर करके पढ़ाई करते हैं, एकदम याद होता है कि वहाँ क्या लिए थे यहाँ क्या ले रहे हैं, ठीक है. कंपेयर करोगे तो दिमाग में रहेगा. देखिए फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन रेगुलर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, पी एन एक्स क्या लिए थे, यहाँ पे पी एन वैसा नहीं लेना है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना, सबका पी एन एक्स अलग अलग है, तो ये भी आपको याद रखना होगा डेराइवेशन में, फॉरवर्ड में कैसे अज्यूम करेंगे, बैकवर्ड में कैसे अज्यूम करेंगे, एंड लैग्रांज जाएगा तो आप पी एन एक्स कैसे अज्यूम करोगे. तो यहाँ जो पी एन एक्स होगा वो ऐसे थोड़ा सिंपल है याद करने का, ए नॉट ले रहे हैं, आपको सारा टर्म लिखना है, एक्स का वैल्यू एक्स नॉट से लेकर एक्स एन तक दिया गया था, तो यहाँ पे लैग्रांज के लिए ए नॉट लिख रहे हैं, तो एक्स नॉट नहीं यूज करेंगे, बाकी सारा टर्म लिखेंगे, ठीक है. यानी स्टार्ट है एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्रोडक्ट में रहेगा, ए नॉट के साथ आपको एक्स नॉट नहीं लिखना है, बचेगा प्लस ए वन लेंगे तो एक्स वन नहीं लिखेंगे, बाकी सारा बाकी सारा बन लेंगे. ए टू लेंगे तो एक्स टू नहीं, एक्स टू नहीं लिखेंगे वो क्यों नहीं लिखेंगे, उसका भी रीजन आपको पता चल जाएगा, देख लेते हैं और लिख लीजिए तब आपको पता चलेगा कि हमने एक्स टू नहीं लिया है. प्लस वन के एन लेंगे तो क्या नहीं लिखेंगे, बात कर रहे थे एन माइनस वन
याद रहेगा कैसे अर्जुन किया है? Where capital A naught comma A1 A2 dot 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 AN. Capital A naught comma capital A1 capital A2 dot 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 AN are constants to be determined. क्या किया था? Thank you.
जल्दी बताइए एवं कितना है? जहाँ एक्स वन आप पुट करोगे देखिए ए नॉट भी जीरो हो जाएगा, ए टू भी जीरो हो जाएगा, केवल ए वन का नंबर बचेगा, ए वन बचेगा और ए वन के साथ एक्स वन माइनस एक्स नॉट आप सिमिलरली आप लिख सकते हो, अगर आप उससे समझ गया हो तो आपने एक्स टू नहीं लिखा है
नंबर बताइए तो क्या बना हुआ है या बुक से भी एक्सरसाइज लेके क्वेश्चन बनाने का ट्राई कीजिए।